हेलो गुड मॉर्निंग। आज अपन बॉडी फ्लूड पढ़ते हैं कि बॉडी फ्लूड कहाँ कहाँ होता है, उसका इसकी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। आप टोटली इसका फ्लो चार्ट में अगला नेक्स्ट इसी वीडियो के अगले वाले पार्ट में बता दूंगा। आप पहले इसका देखो कि बॉडी फ्लूड कहाँ कहाँ होता है। जैसे ये लेफ्ट हार्ट है, इसका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका लेफ्ट एट्रियम या ओटा है ना, ये असेंडिंग ओटा है, ये डिसेंडिंग ओटा है। अब यह ओटा है ना, आर्टरी और आर्टरी आर्टेरियोल, ये वेन्योल, एक एक कैपिलरी है, फिर ये वेन्योल वेन, ये लेफ्ट हार्ट है ना। अब बिल्कुल ये पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं ये टॉपिक पर स्टिक कर रहा हूँ। अब देखो अपने पास, अब ना मैंने इसको थोड़ा अलग से बताया हुआ कि अब ये जो कंपार्टमेंट है कि आर्टरी आर्टेरियोल, फिर कैपिलरी, वेन्योल और वेन, फिर इन्फेरियर वेना कहा जाएगी है ना, ये वो कंपार्टमेंट है ना, इसको बोलते हैं इंट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट। इंट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट, इंट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट इसलिए बोला कि इन साइड द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स है ना, ये कैपिलरी पूरा, तो इसके अंदर जो जो चीजें पाई जाएगी ना उसको बोलते हैं इंट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट। अब इसमें दो चीजें पाई जाती है, एक तो होता है ब्लड है ना, एक ब्लड होता है, टोटली दो चीजें नहीं, एक ही चीज पाई जाती है, ब्लड होता है। अब ब्लड ब्लड में दो चीजें होती है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। देखो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये प्लाज्मा होते हैं जो इस वाले पेन से बनाया हुआ है। देखो ये पेन अलग प्रकार का पेन है, ये प्लाज्मा प्लाज्मा फ्लूड और आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है, ये चीजें हुई इंट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट। अब ये होता है दूसरा कंपार्टमेंट था एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट, ये वाला कंपार्टमेंट है ना, एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट के अलग अलग पार्ट होते हैं। अब एक कंपार्टमेंट होता है एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट का पार्ट है कि इंटरस्टिशियल। अब ये सेल है, जैसे ये सेल, एक सेल, एक सेल, एक सेल, अब इन सेल के अंदर जो पाया जाएगा ना उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, इंट्रा। अब इन सेल के जो बाहर पाया जाता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट या एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। आगे फ्लो चार्ट बताऊंगा, ये चीजें हो गई। अब यहां से ब्लड चलेगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कारण ड्यू टू ब्लड प्रेशर, और ये कुछ फ्लूड वापिस रिटर्न करेगा, ये वापिस ट्रेप हो जाएगा ना यहाँ एल्बुमिन प्रोटीन के कारण। तो ये जो फ्लूड होगा इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूड। अब ये देखो नीचे, ये देखो इस पर फोकस करो, ये चीजें हैं, जैसे ये ब्लड वापिस ओटा से आ रहा है, ये एक लिम्फ नोड है, लिम्फेटिक्स भी, लिम्फेटिक्स में लिम्फ बताना उसको भी मैं बताना चाह रहा हूँ। अब ये इंटरस्टिशियल ये फ्लूड है ना, ये लिम्फ में बता है, लिम्फ नोड में। अब ये एफरेंट लिम्फ आर्टरी है, एफरेंट लिम्फेटिक्स है, ये एफरेंट लिम्फेटिक्स है और ये ईफरेंट लिम्फेटिक्स, ये देखो इस कलर से बनाया हुआ है, ये ईफरेंट लिम्फेटिक्स है, ये एफरेंट है। यहाँ से ये इंटरस्टिशियल फ्लूड अगर जैसे ही इस लिम्फ नोड में आया, इसको इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं लिम्फ, लिम्फ बोलते हैं। अब ये कैपिलरी यहाँ से भी जो फ्लूड छनता है, ये टोटली फ्लूड लिम्फ में आता है, ये लिम्फ। अब इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है लिम्फ वेसल्स का, दो लिम्फ वेसल्स होती है, लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल्स और राइट लिम्फेटिक वेसल्स है ना। तो ये वाली है ना लेफ्ट है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, या इसको लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को थोरेसिक डक्ट भी बोलते हैं। राइट लिम्फेटिक डक्ट ना ओनली फॉर राइट अपर क्वाड्रेंट से ही ब्लड लिम्फ लाती है, ये लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है जो तीन क्वाड्रेंट से ब्लड लाती है। ये इसका वीडियो सेपरेट बनाया हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। अब देख लो ये मैंने, और एक केविटी में जो फ्लूड होता है उसको ट्रांस सेलुलर फ्लूड बोलते हैं, और इंटरस्टिशियल फ्लूड बता दिया, आईसीपी बताई दिया, लिम्फ बताई दिया। इसका फ्लो चार्ट से देखते हैं,